everyone, this is Pooja Tyagi. Welcome once again on our channel Rise and Shine Commerce Hub. चलिए let's start. आज कुछ पढ़ेंगे नहीं, आज सिर्फ हम अपना exam pattern देखेंगे class 12 business studies का और marking scheme और detailed way में बताऊंगी मैं. चलिए बताती हूँ. ये तो है हमारा exam pattern, ठीक है, कि कौन कितने questions आएंगे, one liners जो है हमारे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस पे कितना फोकस करना है. वो वन लाइनर्स है, फर्स्ट पे वन लाइनर्स. वन लाइनर्स के अंदर क्या आता है, बेसिकली अब एमसीक्यूज आने लग गए हैं, फिलअप्स आने लग गए हैं जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, जिसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए तभी आप लोग वो सॉल्व कर पाएंगे. और सबसे ज़्यादा वेटेज क्वेश्चन की जो है वो इन्हीं की है. कितनी है, 20 क्वेश्चन आएंगे इसके वन लाइनर्स के. दे कैन बी एमसीक्यूज और दे कैन बी फिलअप्स. ऑलराइट, तो ये 20 हो गए, तो ये 20 मार्क्स हो गए वन लाइनर्स. फिर थ्री मार्कर्स जो है हमारे वो आएंगे फाइव क्वेश्चंस आएंगे हमारे थ्री मार्क्स के, जो कि हैं हो गए टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है. फिर आ जाता है हमारा फोर मार्कर्स के तीन क्वेश्चंस आएंगे फोर मार्क्स के, जो करता है हमारा फिर 12 मार्क्स बनाता है. फाइव मार्कर्स आ जाएंगे हमारे तीन क्वेश्चंस, और सिक्स मार्कर्स भी आ जाएंगे हमारे सिक्स क्वेश्चंस, दैट कंबाइन एंड मेक 80 मार्क्स इन टोटल. और 20 मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता ही चुकी हूँ, जो कि हमारा प्रोजेक्ट है. सो अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से हैं, भले ही वो वन लाइनर्स हैं, एक मार्क के क्वेश्चन है, बट वो 20 मार्क्स के हैं, जिसके लिए आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट को इतना डीपली पढ़ना पड़ेगा कि आपको एक एक लाइन अपनी बुक की ऐसे रटी हुई होनी चाहिए लाइक नथिंग एल्स, ठीक है. उसके बाद ये देखो पार्ट, दो पार्ट हैं आपके सिलेबस के, जो मैं बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, दो पार्ट हैं आपके जो अलग अलग सेक्शंस में बटे हुए हैं, मतलब इनकी मार्किंग भी अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है. तो जो हमारा फर्स्ट हो गया, जिसके अंदर तीन चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरमेंट, ये 16 मार्क्स का बन जाता है, ठीक है. पार्ट वन का सेक्शन वन है ये, तीन चैप्टर 16 मार्क्स. प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग 14 मार्क्स के हैं, और स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग आना है और यहाँ पे कंट्रोलिंग आना है. ओके, तो ये स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग 20 मार्क्स का है. तो देख लो तीनों में ये तीन चैप्टर सबसे ज्यादा है 20 मार्क्स के, जिसपे हमें अच्छे से ध्यान देना है. ये हमारी पार्ट बी हो गया, या सेकंड बुक जो है हमारी वो, इसके दो सेक्शन है 15-15 मार्क्स में, जो कि डिवाइडेड है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स, ठीक है. फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स. लास्ट हो गया मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी 15 मार्क्स के हैं दोनों चैप्टर्स मिला के. अब बहुत बड़ा क्वेश्चन जो रेज होता है कि मैम ये बताइए कि फोकस मेहनत जो है किस पे करनी है, जिससे कि हम वन लाइनर्स भी अच्छे से कर लें, और मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो तो चलिए एक अलग बात हो गई है. बात ये है हमारी कि हमें किस पे ज़्यादा अपनी मेहनत डालनी है, ताकि जिसमें हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में टाइम लगेगा, या जो डिफिकल्ट हम कह सकते हैं, खैर ऐसा कुछ है तो नहीं इसमें. सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी है वो करनी है हमें फिनेंशियल मार्केट्स के अंदर फर्स्ट. बहुत टिपिकल, मतलब बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है इसे समझने में, तो सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में करनी है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों चैप्टर्स आप इन दोनों को अपनी मेहनत वाले लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और इसकी सीरीज में अपने इस वाले पार्ट से अलग स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि इसे टाइम लगता है थोड़ा सा समझने में, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होने में टाइम लग जाता है, और जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे ट्रस्ट मी वन लाइनर्स को भूल जाना फिर नहीं हो पाएगा, फिर बाकी क्वेश्चंस पे ही रिलाई करना, परसेंट अपने आप ड्रॉप हो जाएगी. बाकी जो मेहनत वाले हैं, एक तो 20 मार्क्स का हो गया, ये तो पढ़ना ही है हमें, एक मेहनत वाला ये हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से वन लाइनर्स बहुत बनते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं फेयॉल्स और टेलर्स के, टेक्निक्स हो गए साइंटिफिक मैनेजमेंट के, इसके बहुत क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं. स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग अपने आप में एक दिख जाता है वो, तो उसमें तो पढ़ना ही इतना है, क्योंकि वो 20 मार्क्स कंटेन करता ही है, ठीक है. तो मेहनत वाली चीज़ें भी आप लोग देख लीजिए क्या कितना कंबाइन करना है, ये भी देख लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन. इतना ही आज के लिए, थैंक यू. एंड अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएँ. थैंक यू.